सो हम रिफिलिंग प्रोसेस पे जा रहे हैं। कितने मंथ्स के बाद, कितना टाइम हो गया एक्सटेंशन के साथ? मैम मुझे हो गए 2.5-3 साल हो गए आपके पास आपके मेरी एक्सटेंशन। 3 साल मेरे साथ हुआ, 3 साल से। तो यही बड़ी बात है बहन, लोग आगे जाते नहीं है, बने रहते हैं। तो आप क्वालिटी, यू लाइक द क्वालिटी? यस मैम। 3 साल क्लाइंट, वैसे ऐसे ऐसे क्लाइंट भी है जब मैं स्कूल में जाती थी ना 11th क्लास में, वो आज भी हमारे पास आते हैं। फैसिलिटी भी अच्छी है, मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। मेन ये दिक्कत है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक्सटेंशन करवा के। लोग कहते हैं कि बाल टूटते हैं, कुछ भी होता है, मुझे कुछ नहीं लगा और अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है, कैसी कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। आप बोल तो अभी ये रिमूवल कर रहे, 3 साल से ही हो आप हमारे साथ, तो फिर ऑफकोर्स आपको रिमूवल वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो बाल भी अब मैंने ग्रोथ भी बढ़ाई है, अब वो बाल बढ़ जाता है अंदर अंदर, ये भी तो बढ़ता है, तभी तो ये रिफिलिंग होती है। नहीं बढ़ेगा तो रिफिलिंग भी नहीं होगी। सभी एक रिमूवल करके हम दिखा रहे क्लाइंट को, निकाल दिया यार तूने, यार तू इतनी बड़ी जल्दी करता है। सो यहाँ पे नीचे नंबर मेंशन करेंगे, अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं और यू वांट देम मेक देम हैवी लाइक दिस या लेंथी लाइक दिस, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि रिफिलिंग में हम आपका बाल तोड़ देते हैं, आपका बाल काट देते हैं कैंची से, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी करके दिखाएंगे भैया, करके दिखाओ। ये देखो आपका अपना बाल अलग हो जाएगा और एक्सटेंशन का बाल अलग हो जाएगा, ऐसा सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ हेयर्स मेंटेन रहते हैं, अभी भी इनमें शाइन आपको दिख रही होगी। कलर भी हमने ये आपके सामने ही किया था। हाँ, ये 100% ह्यूमन हेयर्स है, ये नेचुरल कलर आता है। हम क्लाइंट के सामने कलर करते हैं, चाहे लाइट लो, बल्कि ब्लैक नहीं करते हम लोग, आप लाइट लो, ब्राउन लो, ब्लोन लो, जो भी कलर लोगे आपके सामने करके देंगे। और क्वालिटी तो जैसे आप अच्छे से ये मेंटेन करके रखती हैं शैम्पू कंडीशनर को, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी अपने क्लाइंट के मुंह से सुना है, आपका फेस हम तभी दिखाएंगे जब आप अलाउड करेंगे। इन्होंने अलाउड नहीं किया है, ज़्यादा चालाक ना बना करो, ज़्यादा फंडे ना बना। कल वाली वीडियो में लोग नाम लिख रहे थे, ये होगी वो होगी वो होगी, पर तुम दिमाग लगाते रहो, तुम दिमाग ये बताओ दीदी कहाँ से है। तो जिससे हल्के बाल है, वीडियो के नीचे कमेंट करना था कि आपके अपने बालों में क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जय माता दी।